गाइस, दिनांक और समय का जिस तरह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक उसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी दिनांक और समय यानी कि टाइम और डेट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कब यूज़र ने क्या करा, इस तरह की चीज़ों को लॉक करने के लिए हमें डेट और टाइम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट के बारे में। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर लकीली हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट होता है डेट एंड टाइम का, और उसका नाम होता है डेट, और देखेंगे उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ट्यूटोरियल 24.js के नाम से एक नई फाइल बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर ट्यूट24.js इंक्लूड कर लेता हूँ। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि अपने js फोल्डर के अंदर जाकर यहाँ पर लिखूँगा ट्यूट24.js, ठीक है। और यहाँ पर मैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ console.log, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू ट्यूटोरियल 24। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी जो फाइल है वो सही से इंक्लूड हो चुकी है। और लाइव सर्वर भी स्टार्ट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर यहाँ पर मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आऊँगा और ट्यूट24.js के अंदर आऊँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट टूडे इज इक्वल टू न्यू और डेट, और ये करके मैं क्या करूँगा कंसोल लॉग कर लूँगा टूडे को, और यहाँ पर मैं कंट्रोल एस को सेव करूँगा। और आप लोग देखो यहाँ पर मुझे आज की तारीख और सब कुछ मुझे टाइम के साथ यहाँ पर बता रहा है कि क्या समय हो रहा है, क्या किस तरह संडे या जुलाई 21, और ये सब चीज़ें मुझे बता रहा है। तो इस तरह जो है मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नई डेट जब बनाता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेट टाइप का, तब क्या होता है, मुझे आज का, अभी का टाइम, आज की तारीख, आज की डेट, ये ईयर जो चल रहा है वो मिल जाता है। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं टाइप ऑफ प्रिंट करता हूँ टुडे का, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि ये एक डेट ऑब्जेक्ट है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप के बारे में, ये एक रेफरेंस डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, और ये इसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर मान लो मुझे आज की डेट ना बनाते हुए कोई दूसरी डेट बनानी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अदर डेट इज इक्वल टू, और एक काम करता हूँ इसको ऊपर पुश कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग टुडे को, और उसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू डेट, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा 8/4/2003, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा कुछ इस तरह से 04/54/08, कुछ इस तरह से अगर मैं लिख दूँगा, और इसको फिर कंसोल लॉग करूँगा कंसोल लॉग, और यहाँ पर मैं अगर अदर डेट लिख दूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे ये डेट मिल जाएगी। तो ये मुझे बता रहा है मैंने 4 अगस्त 2003 4:54:08 ये टाइम ले लिया है, और ये टाइम जो है इसने इस तरह से लॉक कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं अदर डेट को कुछ इस तरह ही लिखूँ, मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इसी फॉर्मेट में लिखूँ, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह भी ले सकता हूँ जून, और उसके बाद मैं लिख दूँगा 13, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा 1976, और अगर मैं सिर्फ इतना भी लिख दूँ और कंट्रोल ऐसे सेव करूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर इसने 13 जून 1976 का टाइम ले लिया है। तो इसने सक्सेसफुली मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है बना दिया है, और इसको ये डेट असाइन कर दी है जो चल रही है। तो इस तरह जो है आप लोग यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि यही चीज़ आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी DDMMYY होती है, तो अगर आप 13/06/1976 कुछ इस तरह से लिखें, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये कह रहा है इनवैलिड डेट, क्योंकि यहाँ पर मैंने 13 दे दिया, यहाँ पर मुझे MMDDYY देना चाहिए था, सॉरी। तो मैं 09 लिखूँगा, 16 लिखूँगा, तो अगर मैंने यहाँ पर इनवैलिड डेट नहीं दी, तब ये मुझे इस तरह से वो डेट दे देगा, वरना ये मुझे क्या देगा, ये मुझे इनवैलिड डेट देगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये मुझे इनवैलिड डेट देगा। तो MMDDYY आप ये दे सकते हैं, ये फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप जिस हिसाब से आप लोग डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप Mozilla डेट अगर लिखें यहाँ पर, और जावास्क्रिप्ट भी लिखें अगर, तो आपको ये मिल जाता है डेट जावास्क्रिप्ट MDN, और ये डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट में डेट, अगर आप लोगों को देखनी है, देखो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह यहाँ पर इसको अगर देखेंगे, तो आप लोग को सारी डिटेल मिल जाएगी डेट ऑब्जेक्ट के बारे में। लेकिन हम अभी करेंगे क्या, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट ऑब्जेक्ट के बारे में चीज़ें, वो सब देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ अदर डेट डॉट गेट डे,
तब यहाँ पर मुझे जो है इसका डे मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह लिख देता हूँ अदर डे, या फिर एक काम करता हूँ मैं इस कंसोल लॉग को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर लेट ए कर देता हूँ और ए इज़ इक्वल टू कुछ इस तरह कर देता हूँ, और वापस से एक और कंसोल लॉग ए कर देता हूँ। ये करने से होगा ये कि यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू अदर डे डॉट गेट डे मैंने किया और यहाँ पर मुझे मेरे जावास्क्रिप्ट कंसोल के अंदर मुझे चार मिल जाएगा। अब आप लोगों को चार क्यों मिला, तो मेरी अदर डेट क्या थी, मेरी अदर डेट थी 16/9/1976। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो अदर डेट है इसको प्रिंट करूँगा, और आप लोग देखो यहाँ पर ये थर्सडे है, तो अगर मैं यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे अगर ज़ीरो से मैं काउंट करूँ, तो ज़ीरो अगर मेरा होगा संडे के लिए, वन होगा मेरा मंडे के लिए, टू होगा ट्यूसडे के लिए, मेरा उसके बाद थ्री होगा थर्सडे के लिए, सॉरी थ्री होगा वेंसडे के लिए, फोर हो जाएगा मेरा थर्सडे के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर काउंटिंग करूँ ज़ीरो से लेके स्टार्ट करके, मंडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो सॉरी संडे भी मुझे इंक्लूड करना है, तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग देख सकते हो गेट डे क्या करता है। उसी तरह अगर मैं गेट डे की जगह गेट डेट कर दूँ, तो अगर मैं गेट डेट ले लूँ यहाँ पर, तब आप लोग देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, गेट डेट लिखने से मुझे 16 मिल रहा है और ये डेट जो है 16 है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं यहाँ पर गेट मिनट्स कर सकता हूँ, तो गेट मिनट्स अगर मैं करके सेव कर दूं, तो आप लोग देखो यहाँ पर ये मुझे ज़ीरो बता रहा है, तो ये मुझे इसने यहाँ से मिनट्स बताए हैं। तो एक काम करता हूँ कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या फिर ये मैं यहीं पर देख सकता हूँ, तो मिनट्स देखो यहाँ पर ज़ीरो हैं, सेकंड्स भी ज़ीरो हैं और मेरे आवर्स भी ज़ीरो हैं। तो अगर मैं यहाँ पर गेट सेकेंड्स करता हूँ तब वो भी मुझे ज़ीरो देगा, और अगर मैंने यहाँ पर गेट आवर्स कर दिया तब वो भी मुझे ज़ीरो मिलेगा। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दूँ, कंट्रोल एस करूं, तब देखो यहाँ पर मुझे आवर्स भी ज़ीरो मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं, अदर डेट को ये वाला मान लूं, तो मैं इन दोनों को अगर कमेंट आउट कर दूं, तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, जो आवर्स हैं वो मुझे चार मिल रहे हैं, और अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, सेकेंड्स मुझे क्या मिलेंगे, सेकेंड्स मिलेंगे मुझे ये 8 मिल रहे हैं, और ये मिनट्स हैं, मिनट्स करूँगा तो 54 मिलेंगे। तो मिनट्स किया मैंने, 54 मिल गए। तो आप लोग समझ चुके हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, अदर डेट डॉट गेट टाइम कर सकता हूँ, और मैं जैसे ये करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे टाइम मिल जाएगा। और ये टाइम क्या करता है, ये टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प है बेसिकली, ये नंबर ऑफ सेकेंड्स सिंस 1 January 1970 है, तो ये नंबर ऑफ सेकेंड्स तब से कैलकुलेट हुए हैं। तो अगर मैं इसको वापस से रिलोड करूं पेज को, अगर आप यही काम आज की तारीख के साथ करें, तो आप इसको रिलोड करेंगे तो टाइम स्टैम्प आपका बदलता जाएगा जितने सेकंड बीतते जाएंगे उसके हिसाब से। इसी के साथ साथ आप मिली सेकेंड्स भी कर सकते हैं, तो आप अगर यहाँ पर गेट मिली सेकेंड करते हैं और गेट मिली सेकेंड मैं लिखता हूँ, और गेट मिली सेकेंड्स में आप लोग को यहाँ पर ज़ीरो मिल रहा है मिली सेकेंड्स, और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर और चीज़ें भी देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया गेट डे, गेट मंथ मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो गेट मंथ और कंट्रोल एस, और आप जैसे देखेंगे यहाँ पर 7 मिल रहा है। अब ये 7 क्या है, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, और अगस्त। अगर ज़ीरो से काउंटिंग आप स्टार्ट करोगे तो आपके अगस्त को 7 मिलेगा। तो इस तरह आप लोग जो है यहाँ पर मंथ प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें सेट करने का भी ऑप्शन होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अदर डेट और फिर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ सेट डे, तो मैं यहाँ पर सेट डेट कर सकता हूँ बेसिकली। मैंने अगर यहाँ पर 23 सेट कर दी डेट अपनी, और उसके बाद मैं अगर अदर डेट को प्रिंट करूँ, तो मैं यहाँ पर अदर डेट को प्रिंट करूँगा और यहाँ पर कंसोल लॉग ए आप लोगों के लिए कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक कोड आप लोग को देना है। तो ये जो लास्ट वाला होगा वो मेरी अदर डेट है। तो देखो मैंने पहले ये 4 थी, फिर मैंने 23 सेट कर दिया। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेट सेट करने के साथ साथ आप लोग यहाँ पर मंथ सेट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर मंथ सेट कर दूंगा 1। मैंने यहाँ पर 1 सेट किया अगर मंथ अपना, तो आप लोग देखो यहाँ पर फरवरी आ गया, 0 करूँगा तो जनवरी आ जाएगा। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया यहाँ पर जो मंथ होता है वो 0 से चलता है, तो देखो यहाँ पर जनवरी आ गया। इसी के साथ साथ आप लोग ईयर को भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कुछ इस तरह से लिख दें सेट फुल ईयर, और उसके बाद यहाँ पर आप मान लो 1900 कर दें, तब आप लोग देखो यहाँ पर ये इसने 1900 जनवरी 23rd को ट्यूसडे था ये मुझे बता दिया है। उसी के साथ साथ सेट मिनट्स, सेट सेकंड्स और सेट आवर्स भी होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, सेट मिनट्स और सेट मिनट्स को मैं कर देता हूँ 1, और यहाँ पर इसी के साथ साथ सेट आवर्स भी होता है और सेट सेकेंड्स भी होता है।
तो 111 मैंने सेट कर दिया है, और आप लोग देखो यहाँ पर 111 आ गया है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स को सेट कर सकते हैं। काम करता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ, कन्फ्यूजन वैसे है नहीं, लेकिन तब भी मैं 2 1 और 3 देखो, मिनट्स मिनट्स की जगह आ गया, आवर आवर की जगह आ गया, और जो सेकेंड है वो सेकेंड की जगह आ गया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको मैं काम करता हूँ, सिंपली मैं इसको 1 को 2, 2 को 1 कर दूंगा अगर, तो 1 2 3 करके मेरा टाइम बन जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, 1 2 3। एनीवेज, आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह आप लोग यहाँ पर डेट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कभी भी आप लोग को डेट वगैरह सेट करनी हो, तब आप लोग जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने नोट्स ऐप बनाई थी, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने नोट्स की ऐप बनाई थी। उस तरह की ऐप में होगा क्या कि अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ गई, मान लो नोट की टाइम स्टैम्प को सेव करने की, तब आप लोग इस तरह से उसको न्यू डेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से गेट डे, गेट टाइम, गेट मिनट्स, जो आप मन चाहे निकाल सकते हैं, और आराम से आप अपने यूआई के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरह आप लोग डेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ गाइस आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लें, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है तो। मुझे अभी भी कमेंट्स आते हैं बीच बीच में कि किस कहाँ पर आपने बेसिक्स बताए, कहाँ पर आपने व्हाइल लूप बताया, कहाँ पर आपने ये बताया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और अपने आप ढूंढ लें कि क्या पर मैंने क्या चीज़ बताई है, उससे आप लोगों के लिए जो है काफ़ी आसानी होगी। सो अभी के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।